स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं भाई आरआरबी ग्रुप डी सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। क्वेश्चन आपका दिया गया है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह हैं अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, क्षारीय होते हैं, ये सभी। आपको इसका राइट आंसर बताना है भाई क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखेंगे, जो मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं भाई? क्षारीय होते हैं, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया सोडियम लिथियम कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दिया गया है, सोडियम लिथियम कैल्शियम ये सभी। आपको बताना है ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो याद रखें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भाई सोडियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सोडियम, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 23 कैरेट का। तो सभी लोग बताएंगे आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है। याद रखिएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 22 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का होता है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, कम चालक होते हैं, अर्धचालक, अचालक होते हैं, सबसे अच्छे कुचालक होते हैं। तो बताइएगा सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के कैसे चालक होते हैं, आपको ये बताना है। याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सबसे अच्छे चालक होते हैं, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, लोहा, मरकरी, चांदी या अन्य। तो सभी लोग याद रखेंगे कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भाई मरकरी। मरकरी, मरकरी क्या होता है? मरकरी क्या होता है भाई? पारा, जिसे हम बोलते हैं पारा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से किस धातु को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सभी। बताएगा कैरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबाकर हम किस धातु को रखते हैं, आपको ये बताना है। तो सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सोडियम। ठीक है भाई, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सी अधातु है जो पानी में डुबाकर रखी जाती है। अब आपको अधातु बताना है, अभी आपको धातु बताना था, अब आपसे अधातु पूछा है। ऑप्शन ए दिया गया सल्फर, बी दिया गया श्वेत फास्फोरस, डी सी दिया गया आपका लाल फास्फोरस और आपका डी दिया गया आयोडीन। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस को हम किस में रखते हैं भाई? श्वेत फास्फोरस को हम भैया पानी में डुबाकर रखते हैं, पानी में डुबाकर रखते हैं, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, लेड। आपको क्या बताना है? धातु तार के रूप में उपलब्ध है, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई, कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर होता है, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया भूप्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातुएं निम्नांकित निम्नलिखित हैं, ए जी, एम जी, ए एल, जेड एन। तो बताइएगा भाई कौन सी है, आपको ये बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ए जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ए जी, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्न में से कौन अधातु है, निम्न में से कौन अधातु है, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, लोहा, सोना और आपसे पूछा गया अधातु। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एक अधातु है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल, ड्यूरालूमेन, कासा, सोल्डर। बताइएगा ताम्र एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए बी, सॉरी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कांसा बोलते हैं, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, पारा, एल्युमिनियम, ब्रोमीन, तांबा। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप को द्रव रखता है, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया सीसा और टिन मिश्र धातु को कहते हैं, स्टील, उपधातु, गन मेटल, सोल्डर। सभी लोग बताएंगे सीसा और टिन
किस्म की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपका टी हो जाएगा भाई शोल्डर बोलते हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका टी हो जाएगा शोल्डर, यानी कि शीशा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, शोल्डर बोला जाता है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कार्बन का कौन सा अपर रूप सबसे अधिक कठोर होता है, ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, काजल, बताइएगा। कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई बी हीरा, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा हीरा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, देखिएगा क्वेश्चन आपका दिया गया कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, कॉपर ऑक्साइड, कुछ नहीं। तो याद रखिएगा कॉपर को जब हम वायु में जलाने पर क्या बनेगा भाई, आपसे ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा कॉपर ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है भाई कॉपर ऑक्साइड बनता है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, देखिएगा क्वेश्चन आपका दिया गया है, पूछा गया है सिलिका क्या है, अधातु, अप उपधातु है, धातु है, अधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा गया है सिलिका क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, जल्दी से सभी लोग बता दें, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा उपधातु, सिलिका क्या है एक उपधातु है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, ये धातु के किस गुणधर्म को बदलता है, कठोरता को, आघातवनता को, चालकता को, सक्रियता को, तो भाई बताएगा इस ये किस धातु को बदलता है, किस गुणधर्म को बदलता है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भैया आघातवनता, ठीक है भाई सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं, पारद मिश्र धातु, आयरन मिश्र धातु, अमंगल, अमलगम, जिंक मिश्र धातु, तो सभी लोग याद रखेंगे आपसे पूछा गया था अगर एक किसी मिश्र धातु को एक धातु पारद में है तो इसे क्या कहते हैं भैया, अमलगम बोलते हैं, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, आपको ये बताना है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, क्या हो जाएगा भाई हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्न में से कौन सा गुणधर्म गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है, ऑप्शन ए दिया गया जल में विलेयता, बी दिया गया निम्न द्रव्यमानांक, सी दिया गया ज्वलनशीलता और डी दिया गया ये सभी, तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जल की विलेयता, जल में विलेयता, ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है, एथनॉल, ग्रेफाइट, हीरा, एल्किन, आपसे पूछा गया विद्युत का सुचालक है ये बताएगा, तो सभी लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ग्रेफाइट, विद्युत का सुचालक है, यानी कि विद्युत का सुचालक है भाई ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप है, हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, ये सभी, बताएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है आपसे पूछा गया भाई कार्बन का अपर रूप क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो सभी लोग याद रखेंगे कार्बन का अपर रूप ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भैया, पूछे कार्बन के अपर रूप पूछेंगे तो ऑप्शन आपके तीनों सही हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, ठीक है भाई सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, मेथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल, प्रोपेनॉल, आपसे क्या पूछा गया एल्कोहल पेय के रूप में पेय के लिए उपयुक्त है आपसे ये पूछा गया, तो भाई याद रखें सभी लोग ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एथेनॉल, क्या हो जाएगा एल्कोहल है ये एथेनॉल जो पेय के लिए उपयुक्त है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा क्वेश्चन दिया गया कार्बन क्या है, अधातु है, धातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कार्बन है, आपको ये बताना है 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो सभी लोग याद रखेंगे कार्बन क्या है एक अधातु है भाई, कार्बन क्या है एक अधातु है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा क्वेश्चन दिया गया क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक पूछा गया है 391 केल्विन, 334 केल्विन, 351 केल्विन, 111 केल्विन, तो भाई सभी लोग याद रखेंगे आपसे क्या पूछा गया है भाई, पूछा गया क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है, तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर भाई 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 334 केल्विन, क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 334 केल्विन होता है क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक। अगला क्वेश्चन दिया गया साबुन द्वारा सफाई कम का काम अच्छी तरह से होता है,
कठोर जल में, मृदु जल में, दोनों प्रकार के जल में सभी कथन सत्य हैं। यानी कि आपसे क्या पूछा गया भाई, आपसे पूछा गया साबुन के द्वारा सफाई अच्छी तरह से होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भैया, मृदु जल में। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मृदु जल में। सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्न में से कौन सा जल का जल में अभिलेय है, अभिलेय है, एथाइन, ग्लूकोज, एथेनोइक अम्ल, अन्य। बताएगा जल में अभिलेय कौन सा है, आपको ये बताना था। तो भाई याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा जल में अभिलेय है, आपसे पूछा गया अभिलेय है, तो ऑप्शन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा भैया, एथाइन। सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है आपका, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं, अपर रूप हैं, समस्थानिक हैं, बहुलक हैं या समन्वयी हैं। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया है हीरा और ग्रेफाइट, तो इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सब अपर रूप है। क्या है भाई, अपर रूप है कार्बन के, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बना है, मीथेन, ब्यूटेन, एथेन, बेंजीन। आपको क्या बताना है, वह हाइड्रोकार्बन बनाना बताना है जिससे एथेनॉल बना है भाई। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एथेन। यानी एथेन से एथेनॉल बना है भैया, क्या बना है, एथेन से एथेनॉल बना है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एथेनॉल से एथेन, याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, पेंसिल बनाने के लिए कार्बन की किस अपर रूप का प्रयोग किया जाता है, कोक, आइसोपीन, ग्रेफाइट, चारकोल। बताएगा पेंसिल बनाने के लिए किस कार्बन के अपर रूप का प्रयोग किया जाता है, आपको यह बताना है, ठीक है। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ग्रेफाइट का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ग्रेफाइट का। सभी लोगों को याद रखना है। तो भाई ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन, क्या था ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। यदि अच्छे लगे तो भाई हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।